नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बंगाल में एक नया एजुकेशन सिस्टम आया है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। और ये क्या फॉर्मेट है, 5+4+2+2 का ये फॉर्मेट है। अब इससे सेमेस्टर और जो एजुकेशनल चाहे वो लैंग्वेज की पढ़ाई हो, वो कितनी चेंज होगी, कितनी बदलेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बाकायदा पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा के लिए 5+4+2+2 ये फॉर्मेट है और इसको जारी रखने की एक अधिसूचना जारी की है। पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि नीति में प्री प्राइमरी के 1 साल होंगे और फोर्थ तक प्राइमरी के 4 साल होंगे। इसके साथ ही साथ अगर 10+2 की बात करें तो वहाँ पर 2 साल, और हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं तो उसके 2 साल होंगे, यानी सेकेंडरी के 2 साल और हायर सेकेंडरी के 2 साल, तो 2+2=4। और इसके लिए बाकायदा नोटिस जारी किया गया है जो स्कूली शिक्षा विभाग के मौजूदा पैटर्न को बरकरार रखता है। तो शिक्षा विभाग ने 9 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें उन्होंने 5+4+2+2 का ये जो स्कूली फॉर्मेट है इसे जारी रखने पर विचार किया। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल राज्य में सभी छात्रों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली को फिर से लागू करने की आवश्यकता पर विचार कर रही थी, और राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए शिक्षाविदों की एक विशेष समिति का गठन भी किया था। तो अब समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस समिति ने उचित विचार विमर्श के बाद और हितधारकों के परामर्श से अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो राज्य सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य शिक्षा नीति 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया। राज्य कैबिनेट ने 7 अगस्त की अपनी बैठक में राज्य शिक्षा नीति 2023 को भी मंजूरी दी है, और इसीलिए राज्य शिक्षा नीति 2023 को अब तत्काल प्रभाव से इस अधिसूचना के साथ संलग्न करके अधिसूचित किया जाता है। तो ये स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का 5+4+2+2 का फॉर्मेट है जो कि हमने आपको बताया, और अब इस तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षा दी जाएगी।